हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन कहा जाता है। हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को खोजा था 1927 में, 1927 में, और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में इस फिनोमेना के एक्सप्लेनेशंस के ऊपर और क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के ऊपर। तो बेसिकली जो फिनोमेना है वो कहता क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी समय पे अगर हम साइमेट्रिकली किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम ऑब्जर्व करना चाहें तो हम परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ दोनों को नहीं बता सकते। अगर एक कैनोनिकल एक क्वांटिटी को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं परफेक्टली, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी क्वांटिटी होती है, कैनोनिकल कॉन्जुगेट जिसे कहते हैं, वो अनसर्टेन होने लगती है। और ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी क्या, कौन सी क्वांटिटी हैं जिन क्वांटिटियों में मेजरमेंट, एक क्वांटिटी का मेजरमेंट दूसरी क्वांटिटी के मेजरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लाइक एज पोजिशन एक्स के करस्पॉन्डिंग पी एक्स कैनोनिकल कॉन्जुगेट है, किसी समय पे वाई जो कोऑर्डिनेट है पोजिशन का उसके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट होता पी वाई मोमेंटम का वाई कोऑर्डिनेट, जेड के साथ में जो पोजिशन कोऑर्डिनेट है उसके साथ होता पी जेड कोऑर्डिनेट, तो ये किसी समय पे कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी है। सिमिलरली एनर्जी के साथ करस्पॉन्डिंग टाइम होता है कैनोनिकल कॉन्जुगेट, और किसी समय पर जो एंगल थीटा होता है उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम होता है एल। तो ये जो क्वांटिटी हैं जिनमें मेजरमेंट एक का दूसरे को डिस्टर्ब करता है वो किसी समय पर कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी कहलाती हैं, और इन जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी हैं इनके प्रोडक्ट को हम एक्शन कहते हैं। और जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो सदा जूल इंटू सेकेंड होता है। तो ये मेन कंसेप्ट है। और किसी समय पे जो मेन चीज़ है वो इसका यह है कि हम किसी पार्टिकल के एग्जैक्ट बिहेवियर को नहीं बता सकते, और उसी तरीका से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ। जैसे लाइट के लिए ये कहा जाता है कि लाइट ड्यूअल नेचर में रहती है, तो हम किसी समय प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लाइट कब पार्टिकल होगा, कब वेव होगी। सिमिलरली जो पार्टिकल है उसकी हम किसी समय पर जब कोई मेटर वेव चलती है तो उसके हम एग्जैक्ट बिहेवियर को नहीं बता सकते उसका, बल्कि हमें कैसे बिहेवियर पता चलता है, किसी समय पर प्रोबेबिलिटी बिहेवियर हमें पता चलता है। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद अनलिमिटेड एक्यूरेसी। हम किसी समय पर पोजिशन और मोमेंटम को अनलिमिटेड एक्यूरेसी के साथ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते कम्प्लीटली। तो डेल एक्स डेल पी एक्स की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होती है। डेल एक्स यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन होती है, डेल पी एक्स यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, और एच ए प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, जहाँ प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.62 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड होती है। सिमिलरली डेल वाई डेल पी वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। डेल जेड डेल पी जेड इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होता है। कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी सिमिलरली होती हैं, डेली डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, जहाँ डेली अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी टाइम का कैनोनिकल कॉन्जुगेट होता है और टाइम का कैनोनिकल कॉन्जुगेट एनर्जी होती है। इसी तरीका से डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम होता है। डेल एल डेल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 वाई में डेल एल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और डेल थीटा जो है वो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल है। तो ये हमारे स्टेटमेंट हैं इसके, और जो मेन है वो ये है कि किसी समय पर ये बेसिकली रन नहीं होती। ये बेसिकली जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो सिस्टम के जब मेजरमेंट में लेते हैं तो जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो किसी समय पर मेजरमेंट हम सिंपल नहीं ले पाते, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है कि किसी समय पर सिस्टम का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें एटलीस्ट फोटोन डालना पड़ता है। जैसे फोटोन उसके सिस्टम के ऊपर इम्पोज होता है तो फोटोन अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है किसी समय पर उस पार्टिकल को, और उसके चलते क्या होता है, पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होने लगता है। तो ये किसी समय पर एक्सपेरिमेंट या रिजल्ट में हम कैसे देखते हैं, ये 2 एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें देख रहे हैं कंसर्टेनिटी कैसे डेवलप होती है। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल बाई माइक्रोस्कोप, कि किसी समय पर किसी पार्टिकल की पोजीशन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम ऑब्जर्व करें और देखें कि वहाँ पर कैसे डेमोन्स्ट्रेट हम कर पाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे रखा है, एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर ऑप्टिकल और मैकेनिकल कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और किसी समय पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को की एग्जैक्ट पोजिशन अगर हमें पता है तो उसका डेरिवेटिव ले लें और एम से मल्टीप्लाई करके उसकी पोजिशन पता चल जाएगी। लेकिन आप एक्स को जिस समय पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसकी पोजीशन को, तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, एटलीस्ट क्या करना होगा, फोटोन हमें इम्पोज करना होगा।
तो जैसे हमने इंसिडेंट फोटोन इसके ऊपर इम्पोज किया इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने के लिए, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करता है इंसिडेंट फोटोन, तो कॉम्पटन इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जिस समय पर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन को इम्पोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है और फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है, तो ये स्कैटर्ड फोटोन इधर की तरफ आ जाता है और ये किसी समय पर जो एंगल है इसको हम कहते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, ये एंगल आई बनाता है। अगर हम देखें किसी समय पर, तो इसके चलते क्या होगा कि किसी समय पर जो ये फोटोन है उसके जो मोमेंटम में हम यहाँ देखेंगे, ये इसका मोमेंटम एच अपॉन लेमडा होगा, तो ये एच अपॉन लेमडा साइन आई इधर की तरफ और ये माइनस एच अपॉन लेमडा साइन आई इधर की तरफ। ये किसी समय पर फोटोन की जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी वो एच अपॉन लेमडा साइन आई से लेकर माइनस एच अपॉन लेमडा साइन आई तक होगी। तो हम देखेंगे कि जो किसी समय पर फोटोन में अनसर्टेनिटी आ रही है वो टू एच अपॉन लेमडा साइन आई आ रही है। और मोमेंटम कंजर्वेशन ये कहता है कि किसी समय पे जो मोमेंटम कंजर्वेशन है उतनी अनसर्टेनिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम में भी होगी। तो डेल पी एक्स जो होगा वो होगा एच अपॉन टू एच अपॉन लैम्डा साइन आई, एच अपॉन लैम्डा साइन आई माइनस माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन आई। और किसी समय पे डेल एक्स जो होगा अनसर्टेनिटी जो होगी किसी समय पे पोजिशन की वो होगी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप की, क्योंकि जब हम किसी समय पे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो डेल एक्स जो होता है वो होता है लैम्डा अपॉन टू साइन आई। तो लैम्डा अपॉन टू साइन आई में लैम्डा जो होता है वो किसी समय पे जो ये हमने रेडिएशन डाला है इसकी वेवलेंथ है जिससे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और आई जो है यहाँ पे किसी समय पे सेमी सपर्टिक्स एंगल है जो हमने यहाँ दिखा रखा है। अगर हम इन दोनों का डेल एक्स का और डेल पी एक्स की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें, इसको इक्वेशन वन मान लें, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लें, और इक्वेशन नंबर वन और टू को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो डेल एक्स डेल पी एक्स की वैल्यू लैम्डा अपॉन टू साइन आई इंटू टू एच अपॉन लैम्डा साइन आई इक्वल टू एच आएगी। तो ये वैल्यू एच अपॉन फोर पाई के मुकाबले ज़्यादा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ एक्सपेरिमेंट का। अगर अब हम किसी समय पे देखें कि हम किसी समय डेल एक्स को कम करना चाहते हैं, तो डेल एक्स की वैल्यू को पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हमें लैम्डा को कम करना होगा। सपोज कि हम गामा रेज डाल दें, लेकिन अगर हम डेल एक्स की वैल्यू, तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कम हो जाएगी लैम्डा को कम करने के साथ, क्योंकि लैम्डा गामा रेज का कम हो गया। लेकिन उसी समय पर हम देखें डेल पी एक्स में वन अपॉन लैम्डा मारा रिजल्ट, तो लैम्डा डेल पी एक्स बढ़ जाएगा लैम्डा के कम होने से। तो अगर हम किसी समय पर देख रहे हैं अगर लैम्डा कम करके डेल एक्स को कम करते हैं तो उसी इंस्टेंट के ऊपर डेल पी एक्स में जो अनसर्टेनिटी पूरी मोमेंटम में है वो बढ़ जाती है, तो एंड वाइस वर्सा। तो ये देख रहे हैं हम कि किसी समय पर आप अनसर्टेनिटी को किसी समय प्रोडक्ट को किसी भी तरीका से आप जीरो नहीं कर सकते, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। सेकेंड जो डेमोन्स्ट्रेशन इसका किया गया है वो किया गया है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एट नैरो स्लिट, किसी समय पर इलेक्ट्रॉनिक बीम के डिफ्रैक्शन से ऑब्जर्वेशन किया गया और देखा गया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ किस तरीका से एक्सप्लेन किया जाए। तो क्या किया गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीम है, एक स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन लगा दी गई है। तो जिस तरीका से ये स्लिट है, स्लिट का जो किसी समय पर विथ है वो डेल वाई है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इस स्लिट के ऊपर पहुंचेंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक बीम का, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन बीम जो डिफ्रैक्शन शो करता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो ये प्रूव कर चुका है, और डेविसन जर्मर का कंक्लूजन और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जिस तरीका से यहाँ मिलता है तो 84% जो किसी समय पर इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो इस रीजन में पहुँचता है, 16% में से भी 8% इधर और 8% इधर जाता है। तो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है वो यहाँ पर मिलेगा हमें इस रीजन में। तो यहाँ से देखें कि अगर किसी समय पर ये इलेक्ट्रॉनिक बीम यहाँ सीधा जाता, लेकिन यहाँ डिफ्रैक्शन मैप से ये इस रीजन में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। तो किसी समय पर अगर यहाँ से ये एंगल जो बना रहा है, किसी समय ये एंगल थीटा वन है और ये वाला इधर से थीटा वन इधर बन रहा है ये एंगल, तो हम देखें कि किसी समय पर स्लिट की जो एक्सप्रेशन है किसी समय पर डिफ्रैक्शन मैप का वो होता है, क्योंकि एन बराबर वन में ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन मैप के लिए हमने एन बराबर वन किया। तो ई प्लस डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा इक्वेशन होती है, ई प्लस डी जहाँ ग्रेटिंग विथ कहती है कहलाती है, तो ई प्लस डी की जगह यहाँ पर डेल वाई ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी डेल वाई से हम इसे शो कर रहे हैं। तो डेल वाई साइन थीटा वन इजकल टू एन की जगह हम वन ले रहे हैं इजकल टू लैम्डा, तो डेल वाई आ गया लैम्डा अपॉन साइन थीटा वन। उसके बाद में हम देखें कि मोमेंटम जो आ रहा है, सपोज कि इधर इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसका मोमेंटम पी है, तो देखें यहाँ पे कि जो अनसर्टेनिटी यहाँ से आएगी निकल के इधर की तरफ कंपोनेंट में, यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा वन, और पी की जगह पे रख दें एच अपॉन लैम्डा, और इधर की तरफ जो आएगा अनसर्टेनिटी इधर वो आएगी माइनस एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा वन।
तो दोनों में अनसर्टेनिटी का जो अंतर आएगा, मोमेंटम अनसर्टेनिटी का अंतर यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मिलेगा डेल पी वाई टू एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा वन। इन दोनों को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं डेल वाई और डेल पी वाई को, तो इनकी वैल्यू टू एच आती है, जो एच अपॉन फोर पाई से अगेन ज़्यादा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि किसी समय पर अगर हम डेल वाई या डेल पी वाई या डेल एक्स डेल पी वाई एक्स का प्रोडक्ट देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि उसकी वैल्यू सदा एच अपॉन फोर पाई से सदा ज़्यादा आती है। तो लिमिटेड केस में वो वैल्यू एच अपॉन फोर पाई हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी समय पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सब्जेक्टिव पूरी दुनिया है। आप किसी भी समय पे चीज़ों को एग्जैक्टली बिहेवियर नहीं बता सकते, आप केवल मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर बताते हैं। और यहीं से पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग को पायनियर कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का, और बाद में डिराक वगैरह, इनका भी बहुत बड़ा रोल था इस क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में। तो आगे मैं इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, कैसे ये आता है, अनसर्टेनिटी क्यों आती है, उसको फिर आगे से डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो ये देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूर दूर के इलाकों तक इसे पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे कि जो हम यहाँ हार्डवर्क कर रहे हैं उसका लाभ सबको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।